ओके तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन बायो सावर्ट लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ बेसिकली है क्या, किस लिए लगाते हैं? तो बायो सावर्ट लॉ अप्लाई करते हैं टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। किसी करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए लॉ लगाते हैं, इसको बोलते हैं बायो सावर्ट लॉ। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही मेंशन कर लेते हैं कि हाउ व्हाई वी यूज अ बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, सो दिस लॉ इज यूज्ड, ठीक है, दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, सर ओके, ड्यू टू करंट एलिमेंट। ठीक है, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड सर ड्यू टू करंट एलिमेंट। हाँ, क्या हुआ? सर वो मुझे पूछना था कि आपने जो नोट्स भेजे ना सर, हाँ उसके अंदर सर आपने जो वो एम्पियर्स स्विमिंग वाला जो डायग्राम बना रखा है उसके अंदर आपने हाँ निडल के ऊपर रख रखा है मेन को और सारे डायग्राम्स के अंदर, और उस हिसाब से तो डायरेक्शन गलत आ रही है सर। हाँ एक सेकेंड रुको। तो बायो सावर्ट लॉ हम अप्लाई क्यों करते हैं? दिस लॉ इज यूज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो फाइंड आउट करने के लिए किसी पॉइंट पे हम अप्लाई करते हैं बायो सावर्ट लॉ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक करंट एलिमेंट लेते हैं, जिस तरह से हमने ये एक पहले एक वायर ले लेते हैं, इस तरह का एक वायर है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर है जिसको अपन ने एक्स वाई से डिनोट कर दिया, और इसमें हम एक एलिमेंट लेते हैं करंट कैरिंग एलिमेंट, ये करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया। ठीक है, करंट कैरिंग एलिमेंट और करंट जो इसे फ्लो हो रहा है, करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई, और इस एलिमेंट को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं डीएल वैक्टर से। ठीक है, डीएल वैक्टर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ लेट्स टेक अ पॉइंट, लेट्स टेक दिस पॉइंट पी, एक पॉइंट ले लिया पी जिसपे हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं, तो इस तरह से ये पोजीशन वेक्टर डिफाइन करो, पोजीशन वेक्टर को कर दिया हमने आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर से डिफाइन करते, तो बायो सावर्ट लॉ क्या होता है? बायो सावर्ट लॉ अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बायो सावर्ट लॉ इज यूज टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। ठीक है, फॉर दिस वी कंसीडर अ एक्स वाई करंट कैरिंग वायर इन विच द करंट इज फ्लोइंग, आई इज अ करंट विच इज फ्लोइंग इन दिस करंट कैरिंग वायर। ओके, नाउ लेट्स टेक अ एलिमेंट, एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं अपन। करंट कैरिंग एलिमेंट जो है वो है डीएल वेक्टर से हमने उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और पोजीशन और पी पॉइंट है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या है, आर वेक्टर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ से क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट इज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, लॉ था जिसमें क्या, इन्होंने लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट, लेट द पॉइंट इज पी, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। ओके, नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट क्या है, डीएल। ओके, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर ओके, स्क्वायर एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर ये डीएल और आर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, देन द फोर्थ पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट इज डायरेक्टली दिस, प्रोपोर्शनल टू साइन हाँ, थीटा। डी बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ओके, सो दिस इज द बायो सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जो करंट फ्लो रहा है वो प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा इन विच थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द आर वेक्टर। करंट एलिमेंट और जो पोजीशन वेक्टर है उसके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, अगर हम इन्हें कंबाइन कर दें, देन यू विल गेट डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, देन वी विल गेट द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के ले लिया अपन ने, तो आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ हियर के इज वॉट, के इज अ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। ठीक है,
के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू होती है के इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई. ठीक है, जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है के, उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई. तो सो डेट वी कैन राइट दिस इक्वेशन डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई. ओके, देन आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, है ना. सो दिस इज द इक्वेशन और द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर. इसको हम कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन. नाउ इन वेक्टर फॉर्म, इसी इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करेंगे हम, डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई. हम करते हैं इसमें आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर का डिवाइड कर देते हैं. ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आई डी एल आर साइन थीटा, ठीक है, और ये डिवाइड में आ जाएगा आपके पास आर क्यूब, है ना. नाउ यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई, देन आई, देन डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. ठीक है, डीएल आर साइन थीटा है तो ये क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, एंड डिवाइड बाय आर क्यूब, एंड दिस इज डी बी वेक्टर. ठीक है, सो इन वेक्टर फॉर्म यू कैन राइट द बायो सावर्ट, यू कैन राइट द बायो सावर्ट लॉ इन दिस फॉर्म. इस तरह से आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब. अब ये वेक्टर फॉर्म में आपने लिखा है, तो वेक्टर फॉर्म में देखो, अब डायरेक्शन अगर हमें पता करनी हो इसमें, है ना, इफ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डी बी वैक्टर. ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ डी बी वैक्टर क्या होगा, तो डी बी वैक्टर की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, सो इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर. इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर में. ठीक है, एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन विल बी फाइंड आउट, डायरेक्शन विल बी फाइंड आउट, फाइंड आउट बाय, ठीक है, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड थंब रूल आप लगा सकते हो, बाय राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, बाय राइट हैंड थंब रूल आप लगा सकते हो, और एक रूल और है उससे भी पता लग जाएगा, वो है राइट हैंड स्क्रू रूल. ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगा दो, या फिर क्या लगा दो, राइट हैंड स्क्रू रूल. बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द रूल यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ डी बी वैक्टर. ठीक है, तो इसका एक सिंपल आपको एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, दोबारा बता रहा हूँ मैं, और थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको. ठीक है, जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे आपने कोई एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको. ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको कोई ए वेक्टर दे रखा है और एक वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, आपसे कहा इसका क्रॉस प्रोडक्ट बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताओ कितना होगा. तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप. ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है. क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है. वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है इसमें, कि मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है. दो तरह के वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, आपको पता होगा, एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है. डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है. पर क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, यानी कि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करके आपको वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है. तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं. तो इनको थोड़ा समझने की कोशिश करना आप, कि दो वेक्टर थे ए और बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करा आपने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आपके पास आया ए बी साइन थीटा एन कैप. इसमें ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड और एन कैप क्या है, डायरेक्शन है. तो एन कैप में जो ये एन होता है ना, ये एन का मतलब होता है नॉर्मल. एन का क्या मतलब होता है बेटा, नॉर्मल होता है. ठीक है, और थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ठीक है, आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज जो डेरिवेशन आप करने वाले हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत चांसेस है कि आपके
पेपर होगा, रिटर्न पेपर अगर होता है थ्योरी यानी जिसमें डेरिवेशंस पार्ट आता है तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ से आपको समझ में आएगी। तो इसमें ऐसा ऐसा आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए वेक्टर बी वेक्टर जिस प्लेन में है, जैसे हम एक प्लेन बनाते हैं, यहाँ पे देखो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। देखो ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया मान लो, ठीक है, और ये एक प्लेन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक प्लेन हमने बनाया, ठीक है। जैसे जो भी आप डिनोट करना चाहो, जैसे हम इसको इस डायरेक्शन को मैं कह दूं कि भाई ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन हो गई, ये वाली वाई एक्सिस डायरेक्शन हो गई, तो ऑब्वियसली इसको आप कहोगे कि सर जेड एक्सिस डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये जो प्लेन आपको विजिबल हो रहा है यहाँ, ये जो प्लेन मैंने बनाया डॉटेड लाइन, और इससे ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन हो गया आपका, एक्स वाई प्लेन हुआ, हुआ नहीं हुआ, एक्स वाई प्लेन हो गया ये, ठीक है। इस एक्स वाई प्लेन में हम क्या करते हैं, इस ध्यान से देखना है, इस एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर्स ले लेते हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स में कौन से ले लिया, जैसे एक इसी प्लेन में अपन को लेना है, जैसे ये डिनोट कर दिया हमने, ये ए वेक्टर हो गया मेरा, इसको ए वेक्टर से डिनोट कर दिया, इसको बी वेक्टर से डिनोट कर दिया, और लेट अस कंसीडर दैट इनके बीच में जो एंगल है ना वो क्या है, थीटा है। लेट अस कंसीडर नाउ, वो मुझे भी विजिबल है कि यार ये तो 90 डिग्री वाला बन रहा है हिसाब, पर अभी ऐसा सोचो कि इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये जो प्लेन है, जो ये आपको प्लेन दिख रहा है जिसको कि मैं एक्स वाई प्लेन कह रहा हूँ, तो जो रिजल्टेंट होगा ना ए क्रॉस बी वेक्टर जो करोगे, वो ए क्रॉस बी वेक्टर इस तरह से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो क्या, वो कहाँ पर आएगा, देखो ये आ रहा है ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब नॉर्मल जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, नॉर्मल टू प्लेन इन विच ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रेजेंट, ए वेक्टर और बी वेक्टर जहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, उसके भाई ये नॉर्मल है। बात समझने की कोशिश करना, मैं इतना क्यों जा रहा हूं अंदर तक, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया जरूर था पर मैं इतना डिटेल में नहीं गया था, अभी मैं क्यों जा रहा हूं इतना अंदर। देखो ये जो दो वेक्टर है, अगर अभी हम अपने वाली प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, हमारे हमारे पास ये आ रहा है कि भाई एक तो हमारे पास क्या है डीएल वेक्टर है, और एक दूसरा वेक्टर आपके पास आर वेक्टर है, और एंगल बिटवीन थोड़ा रिलेट करना बेटा, इसको रिलेट करके देखना जो चीजें मैं बता रहा हूँ। हाँ सर, है ना, डीएल और आर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर इज थीटा, बिल्कुल इससे मैच करते जाना। जैसे यहाँ ए और बी वेक्टर थे तो यहाँ डीएल और आर वेक्टर हो गए, यहाँ ए और बी के बीच का एंगल थीटा तो यहाँ डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा हो गया, तो जो अपना इनका रिजल्टेड आ रहा है ए क्रॉस बी, तो अपन भी यहाँ पर डीएल क्रॉस आर कर रहे हैं, और डीएल क्रॉस आर करके अपन को किसकी डायरेक्शन आ रही है, डीबी वेक्टर की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई डीबी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो डीबी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर इज प्रेजेंट, जिसमें डीएल वेक्टर और आर वेक्टर होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसकी होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की होगी, डीबी वेक्टर की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखना चाहूँ कि भाई डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर क्या होगी, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच DL वेक्टर एंड R वेक्टर प्रेजेंट। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, आगे अभी डेरिवेशन आ रही है जिसमें ये काम आएगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि DL वेक्टर और R वेक्टर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होती है उस प्लेन के, जिस प्लेन में कि आपका DL वेक्टर और R वेक्टर है। समझ में आई नहीं आई बात, क्लियर है, ठीक है। अब जब वो डेरिवेशन वाला पार्ट आएगा तो मैं यहाँ आपको रेफर करूंगा उस पॉइंट को, ठीक है, यहाँ से अपन पिक कर लेंगे। तो ये तो बात हो गई बायो सावर्ट लॉ की, ठीक है, ये तो बायो सावर्ट लॉ अपन ने स्टडी कर लिया, हमें आ गया बिल्कुल बायो सावर्ट लॉ समझ में आ गया, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अप नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक और इसमें दिया हुआ उसको ले लेते हैं हम, फिर मेन डेरिवेशन पे आ जाएंगे। ये टॉपिक इसमें गिवन है कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन
रिलेशनशिप बिटवीन म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो एंड सी, ठीक है। म्यू जीरो आपको पता ही है, म्यू जीरो को बोलते हैं परमेबिलिटी, ठीक है, और डिटेल में आगे जाके स्टडी करेंगे, है ना। एप्सिलॉन जीरो आपको पता है परमिटिविटी होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपने चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सी जो है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। नाउ यू नो डेट के इज इक्वल टू हाउ मच, 1/4 pi epsilon 0, पता है ना आपको। और k की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻¹. और यूनिट क्या आएगी इसकी, यूनिट कैसे निकालते हैं, कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ क्या है, F = k Q1 Q2 / r² इससे देखें तो k की यूनिट क्या आ जाएगी अपने पास, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ गया समझ में, ठीक है। नाउ लेट्स फॉर म्यू जीरो, म्यू जीरो के लिए लिखते हैं, तो देखो म्यू जीरो अपॉन फोर पाई जो होता है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷, ठीक है। म्यू जीरो अपॉन फोर पाई होता है 10⁻⁷। इसकी यूनिट निकाली जाए तो बायो सावर्ट लॉ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डीबी इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइड बाय फोर पाई, ठीक है। आईडीएल साइन थीटा, ठीक है, आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहां से हम अगर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई की यूनिट निकालू तो देखो जो डीबी है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है। ये आर स्क्वायर, देखो ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर है, तो यहाँ से मीटर ये आ जाएगा, टेस्ला इनटू मीटर एंड डिवाइड बाय एम्पियर। समझ में आया, ये यूनिट निकाली। तो के जो है या 1/4 pi epsilon 0 है, इसकी यूनिट तो क्या, उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। और म्यू जीरो बाय फोर पाई है, ये आ जाएगा इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर डिवाइड बाय एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में। अब हमें फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप निकालनी है म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो और सी के बीच की रिलेशनशिप हमें निकालनी है, ठीक है। तो रिलेशनशिप के लिए क्या करते हैं हम, देखो इस सबसे पहले ये मेंशन कर देता हूँ, 1/4 pi epsilon 0, ठीक है, 1/4 pi epsilon 0 हो गया। और इसमें हम डिवाइड कर देते हैं, ऐसा करते हैं ये डिवाइड कर देते हैं म्यू जीरो डिवाइड बाय फोर पाई। तो 1/4 pi epsilon 0 की वैल्यू तो है 9 × 10⁹, ठीक है, एंड डिवाइड बाय दिस वैल्यू इज 10⁻⁷, ये आ जाएगा। नाउ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर लो, आप 4 पाई कैंसिल कर लिया, तो यहां से आपके पास बचेगा 1/μ0ε0, ठीक है। और दिस साइड यू हैव 9 × 10⁹ + 7, तो 9 + 7 कितना हो गया, 9 × 10⁹ हो जाएगा 16, ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नाउ ठीक है, वैल्यू मिल गई आपको। अब देखो इसको और क्या कर सकते हैं अपन, 1/μ0ε0। अब ये हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको इस तरह से लिख दें कि 3 × 10⁸ और इसका कर देते हैं स्क्वायर, तो बात तो वही है, यही आएगी वैल्यू, 9 × 10⁹ ही वैल्यू आएगी, ठीक है। नाउ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, ठीक है, इट इज इक्वल टू हाउ मच, 3 × 10⁸ ही वैल्यू होती है इसकी, तो यू विल गेट सी स्क्वायर। सो 1/1μ0ε0 जो होगा वो सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, एंड सी इज इक्वल टू, यू कैन राइट 1/√μ0ε0, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, एक इक्वेशन आ गई जो ध्यान रखना है आपको, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर सी, देन म्यू जीरो एंड एप्सिलॉन जीरो, परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी इनके बीच का रिलेशन है। आया समझ में, क्लियर है, ठीक है, आगे चले, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो सिंपल मैथमेटिक्स आपको लगानी है ना। नाउ लेट्स प्रोसीड टू अवर फर्स्ट डेरिवेशन, पहली डेरिवेशन करते हैं अपन बेस्ड ऑन बायो सावर्त लॉ, ठीक है। तो इसमें है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसके सेंटर पे हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होगी,
ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ले लेते हैं कि भाई लेट अस कंसीडर, ठीक है, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एंड आई इज अ करंट, I is a current flowing through it. I is a current flowing through it. ठीक है, तो I जो है वो current flow रहा है, उसमें current carrying एक coil ले लेते हैं, देखो इस तरह से, ये current coil carrying coil बना लेते हैं, I current flow रहा है इसमें इस तरह से, ठीक है, ये सेंटर हो गया, सेंटर O कर लिया, ये सेंटर O जो है यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे कितनी होगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली बायो सावर्ट लॉ लगाना है, तो बायो सावर्ट लॉ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक करंट कैरिंग एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं इस तरह से, एक करंट एलिमेंट लिया हमने, ठीक है, सो दिस इज द करंट एलिमेंट, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं डीएल वेक्टर से. नाउ लेट्स सी द पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर बना देते हैं, सो दिस इज अ पोजिशन वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर. ओके, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि जो आपने करंट कैरिंग एलिमेंट लिया है डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, तो यहाँ पर एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर इज थीटा इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 90 डिग्री है, क्लियर है ना, विजिबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, एंगल yes, कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा. अब अगर हम बायो सावर्ट लॉ लगाते हैं इसके अंदर की तो हम लगाते हैं बायो सावर्त लो, ठीक है, प्रथम एक मिनट रुक, ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं अपन बायो सावर्त लो अप्लाई कर देते हैं, सो बायो सावर्त लो ठीक है, तो हम बायो सावर्ट लॉ लगाते हैं इसमें, सो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई, इट इज इक्वल टू आईडीएल साइन थीटा, तो थीटा अपने पास 90 डिग्री है, ठीक है, तो आईडीएल साइन थीटा, थीटा अपन ने 90 डिग्री पुट कर दिया, ठीक है, एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर या आर स्क्वायर कर दिया, ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई IDL sin theta divided by R square, then DB is equal to how much? DB is equal to mu zero divided by 4 pi. यहाँ से आपको मिल जाएगा IDL sin 91 हो जाएगा and divided by R square. तो ये तो magnetic field है at the center O because of this current element DL vector. Total magnetic field कितना होगा? पूरी coil की वजह से कितनी magnetic field होगी? वो कैसे find out करेंगे हम? तो total magnetic field at center O, ठीक है, at center O due to coil, ठीक है, इस coil की वजह से कितनी magnetic field होगी उसको represent कर रहा हूँ मैं B से, तो B is equal to क्या आ जाएगा, integration of dB, ठीक है, then integration of dB means mu zero divided by 4 pi, okay, then IDL and divide by R square. Now from here you will get mu zero divide by 4 pi आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास I divide by R square बाहर आ जाएगा, then integration of DL. Now DL क्या होगा, integration of DL कितना हो जाएगा, integration of DL हो जाएगा 2 pi R, इस coil की length हो जाएगी, ठीक है, so you yes, will sir. get mu zero divide by 4 pi, then I divide by R square into 2 pi R, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 pi R, तो pi से pi cancel कर देते हैं, ठीक है, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये r इस r से कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट i, इसलिए बाहर ले लिया ना क्योंकि वो कांस्टेंट है, हां i तो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है ना, वेरिएबल ओनली ये है dl, ठीक है, जो करंट एलिमेंट था अपना, है ना, तो ये सब बाकी सब तो बाहर आ गया, तो म्यू 0 आ जाएगा आपके पास, यहां से आपका वैल्यू आ जाएगी म्यू 0 i एंड डिवाइड बाय 2 r, ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट है फार्मूला, काफी सारे इसमें भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ
करंट कैरिंग कॉइल, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू जीरो आई डिवाइड बाय टू आर हो जाएगी। आया समझ में? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो आई डिवाइड बाय टू आर। अब बात यहाँ रह जाती है कि भाई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बहुत सिंपल मेथड भी एक बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आप देखो, आप चाहो तो राइट हैंड रूल लगा सकते हो, क्रॉस होगी क्या? हाँ क्रॉस होगी ऑब्वियसली, है ना, बहुत मेथड है। आप चाहो तो आप डीएल क्रॉस आर करोगे, तो डीएल क्रॉस आर देखो, ये जो कॉइल अपन ने बनाई है अपने पेपर पे बनाई है, पेपर बना, पेपर आपकी कॉपी का पेपर है उस पर आपने बनाई है, तो अपनी कॉइल, अपनी जो फिंग, आप देखो कॉइल जो बनी हुई है कहाँ बनी हुई है, अपने पेपर पे बनी हुई है, ठीक है। तो आप उसमें जब डीएल क्रॉस आर करोगे ना, ऑटोमेटिकली डीएल ये हो गया, डीएल में आप फिंगर रखोगे और उसको आर की तरफ क्रॉस करोगे तो आपका थंब इनवर्ट्स जाएगा। इस तरह से भी आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर क्या करो, ये आपने जो करंट ऐसे निकाल लो, और एक और मेथड है और वो भी बहुत इजी है, बाकी इस यही मेथड लगा वो ज्यादा अच्छा है, कोई आपसे ओरल एग्जाम में पूछ ले तो इसी तरीके से आप लगाओ। बाकी एक मेथड और बताया था जो और भी, इससे भी ज्यादा इजी है, कभी न्यूमेरिकल करो एमसीक्यू करो तो वो लगा देना। आपने करंट एलिमेंट लिया, ये बहुत स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल लेंथ है, स्मॉल लेंथ है, तो आप इसको स्ट्रेट वायर मान सकते हो। अगर आप इसको स्ट्रेट वायर मानते हो तो इसको होल्ड कर लो ऐसे करके अपने हाथ से, तो होल्ड करो और थंब को क्या है, करंट की डायरेक्शन में रखो, तो आप देखो आपकी फिंगर जो होगी ना वो अंदर की तरफ जाएगी, फिंगर्स जो हो रही है वो अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। आया सही वाला मेथड भी समझ में? कर लोगे? yes, है ना, उसको होल्ड करो एलिमेंट, अब क्या होता है, स्ट्रेट वायर हो गया, स्ट्रेट वायर वाला रूल लगा दो, तो आप देखना आपके फिंगर बाहर जो कॉइल के बाहर का हिस्सा है वहां तो बाहर की तरफ आएगी, यानी डॉट होगी, और कॉइल के अंदर जो है अंदर की तरफ जाएगी, तो वो क्रॉस हो जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपन डिनोट कर देते हैं, ये कैसी होगी, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होगा, इनवर्ट टू पेपर, पेपर में क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, तो इसको अपन क्रॉस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ये क्रॉस आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, है ना। चलो और देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आते हैं तो अपने। हाँ एक पॉइंट और इसमें रह जाता है अपना, अगर मान लो ये तो एक सिंगल टर्न है ना, अगर हम ये ले लें कि इफ इफ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स wound over each other, ठीक है, wound over each other, एक के ऊपर एक बंधे हुए हैं, ठीक है, n number of turns है जो एक के ऊपर एक बंधे हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी इसको, n टाइम्स हो जाएगी, और क्या है, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n टाइम्स हो जाएगी, तो b इज इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू जीरो कैपिटल n i डिवाइड बाय 2r। आया समझ में? ठीक है, कर लोगे? फॉर्मूला ध्यान रखना है, डायरेक्शन के रूल्स ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, बी जीरो आई डिवाइड बाय टू आर। तो ये तो फर्स्ट अपना डेरिवेशन हुआ, ठीक है। नाउ ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, नाउ लेट सी द नेक्स्ट डेरिवेशन। तो ये तो हमने निकाला इसके सेंटर पे, अब जो डेरिवेशन करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा आपको समझना भी होगा इसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं अपन। अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, ठीक है, एक्सिस पे कोई पॉइंट हो अगर, तो वहां पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहले हेडिंग तो मेंशन कर दे अपन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, करंट कैरिंग कोई कॉइल है उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उस पर हमको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसे एक प्लेन बनाता हूं मैं, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश भी करना। तो एक प्लेन बनाया हमने इस तरह से, थोड़ा इमेजिन करना है ना डायग्राम को,
ठीक है, ये एक प्लेन आपको विजिबल हो रहा है, इस प्लेन में हम एक कॉइल ले लेते हैं, ठीक है। इस प्लेन में हमने एक कॉइल ली, ये इस तरह से कॉइल बनाते हैं, ठीक है। ये कॉइल हमने ड्रॉ करी, अब इस कॉइल की एक्सिसेस देखते हैं अपन, है ना। तो लेट्स से ये ले लेते हैं हम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। अब बची हुई दो एक्सिस इस प्लेन में है ना, तो इसके पैरेलल ड्रॉ करूंगा मैं एक लाइन, ठीक है। ओके, सो लेट से दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, लेट से दिस इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई, एंड दिस वन इज अ जेड एक्सिस, ये अपनी हो गई जेड एक्सिस। तो आपकी जो कॉइल है वो कौन से प्लेन में है बताओ, कॉइल जो है कौन से प्लेन में रखी हुई है, वाई जेड प्लेन में है कॉइल, ठीक है। कॉइल जो है हमारी वाई जेड प्लेन में है। अब इससे एक्स डिस्टेंस पर, इससे एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं पी, ठीक है। इससे x डिस्टेंस पर अपन ने एक पॉइंट लिया है P, जहां पे हमें फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये P पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और जो करंट फ्लो हो रहा है कॉइल के अंदर, दैट करंट इज I, करंट जो फ्लो हो रहा है कितना है, I है, ठीक है। सो स्टार्टिंग के पॉइंट तो वही है कि लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस R। अच्छा, ये इसका सेंटर हो जाएगा, इसको अपन सेंटर ले लेते हैं, ये O इसका सेंटर हो गया, R इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। सो स्टार्टिंग के पॉइंट तो आप बना लेना, जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ उसमें सब लिखा हुआ है कि लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग कॉइल व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ अ करंट I, जिसमें कितना है करंट I है, रेडियस ऑफ द कॉइल इज R, ठीक है, एंड देयर इज अ पॉइंट P एट द डिस्टेंस, देयर इज अ पॉइंट P ऑन द x एक्सिस, है ना, एट द डिस्टेंस एक्स, एक्स डिस्टेंस पर है कॉइल के सेंटर से, और वो पॉइंट क्या है, पी है, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो इसका टॉप, टॉप जो प्लेस है यहाँ पर, इस जगह हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से लेते हैं कि ये कुछ स्ट्रेट हो जाएगा, ये ना इतना स्मॉल एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट हमने लिया, ठीक है। और यहाँ इस एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने डीएल वेक्टर से। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जो ब्लैक वाला रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका करंट एलिमेंट है, ठीक है। अब इस करंट एलिमेंट से, यानी इस पॉइंट से अपन इसको, आपको जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या डिफाइन करना है, आपको पोजिशन वैक्टर देना है ना, बायो सावर्ट लॉ लगाना है अपन को, तो पोजिशन वैक्टर डिफाइन करना होगा, तो ये पोजिशन वैक्टर आ जाएगा आपके पास इस तरह से, ठीक है। और इस पोजिशन वैक्टर को हम कर देते हैं एस वैक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एस वेक्टर, समझ में आ रही है बात यहाँ तक। अब ये एंगल हम ले लेते हैं कि भाई ये एंगल कितना है, फाई है, ये एंगल हमने फाई से डिनोट कर दिया, आप समझते हैं ना। देखो एस वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट पी का, जिसपे की आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कॉइल। और अभी हमने एक करंट एलिमेंट ले लिया डीएल वेक्टर, ठीक है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे, कुछ इस तरह से कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर आउटसाइड है ना, डीएल वेक्टर तो यही है, पर वेक्टर है ना, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, बाकी वेक्टर यही वाला है, जो एलिमेंट है करंट एलिमेंट वो यही है, आउटसाइड की तरफ निकला हुआ है ना। हाँ हाँ, आउटसाइड वो डायरेक्शन शो करी हुई है, क्योंकि कॉइल तो ऐसी जा रही है ना, कॉइल तो ऐसी जा रही है ना, टेंजेंट ही बनेगा, मैं तो कहीं पर भी एलिमेंट लू टेंजेंट ही बनेगा वो, तो समझ रहे हो ना बात को, कहीं भी एलिमेंट लूंगा है ना, तो यहाँ पर भी तो ये एलिमेंट तो यही है, रेड वाला मैंने रिप्रेजेंट करा है। अब पी पॉइंट है जिसे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उसका पोजीशन वेक्टर मैंने दे दिया एस वेक्टर से। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर जिसमें है उसके परपेंडिकुलर होगी, है ना। यही तो अपन ने पढ़ा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के, तो उसके परपेंडिकुलर अपन को ड्रॉ करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप देखो यहाँ पर किसके, इस एस वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये एस वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर बनाना है 90 डिग्री अपन को, द
तो एस वेक्टर के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करेगा आपको डीबी वेक्टर, किसको रिप्रेजेंट करेगा, डीबी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये डीबी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, तो देखो ये जो एंगल यहां पर बन रहा है, दिस एंगल विल बी हाउ मच, दिस एंगल विल बी फाई, ये एंगल कितना होगा, फाई होगा। और ये एंगल अगर फाई है, देन इन दैट केस यू कैन रिजॉल्व दिस मैग्नेटिक फील्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स में इस मैग्नेटिक फील्ड को आप रिजॉल्व कर सकते हो, एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा। तो एंगल के साथ जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये तो हो जाएगा आपका डीबी कॉस फाई, समझ रहे हो। और दूसरा जो एंगल, दूसरा जो कंपोनेंट है वो अलोंग द एक्स एक्सिस बन रहा है, वो कंपोनेंट हो जाएगा आपका डीबी साइन फाई, कितना हो जाएगा, डीबी साइन फाई हो जाएगा। देखो ये जो अभी तक मैंने जितना आपको एक्सप्लेन किया, अगर ये समझ में आ गया ना आपको, तो फिर डेरिवेशन करना बहुत इजी है, बड़ी इजीली आप जो है डेरिवेशन डिराइव कर जाओगे। जो भी प्रॉब्लम होनी है वो यही होनी है जो अभी मैंने आपको डायग्राम सिखाया, तो यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सर वो जैसे अपन ने जैसे अभी राइट हैंड थंब रूल से निकाला था ना डायरेक्शन, नहीं उसमें मत फंसना, यही तो बात है, इसलिए तो मैंने वहां बताया, वहां नहीं जाना आपको, वहां नहीं जाना बिल्कुल भी। मैंने क्या बताया आपको कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन ऑफ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर जहां पर है उसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो ये पोजीशन वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर प्लॉट करना है इसको, इस तरीके से आप इसको अप्रोच करो क्वेश्चन को, अभी उधर मत जाओ आप, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें आप करते रहोगे और फंस जाओगे। जो मैंने बताया उस तरीके से जाना आप, ये समझ में आया जो मेथड मैंने एक्सप्लेन करा है आपको? हाँ सर ये तो आई गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा कि अगर आपने, आप मान लो ये तो आपने एक एलिमेंट लिया है, अब मान लो आपने कोई एक एलिमेंट या नीचे इधर बॉटम में एक एलिमेंट लिया यहाँ पे, अब अगर आप बॉटम में एलिमेंट लोगे ना तो फिर उसके उस, अब जैसे ये बना है ऐसे, अगला जो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। देखो मैं आपको सिखाता हूँ, देखो इस, अगर आपने यहाँ एलिमेंट लिया ना बॉटम में इस जगह, तो आपके पास ये डायरेक्शन आएगी कुछ, किसकी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। फिर आप इसके कंपोनेंट करोगे, तो कंपोनेंट करोगे का अब की बार डाउनवर्ड में आएगा आपके पास डीबी कॉस फाई, डीबी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा डीबी साइन फाई। तो आप कर क्या रहे हो कि आप जितने छोटे 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 एलिमेंट लोगे, आप मैग्नेटिक फील्ड बन निकाल लिए ना, वो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे एलिमेंट को ऐड करना ही तो इंटीग्रेशन है। तो अगर आप छोटे छोटे एलिमेंट लोगे तो हर एक एलिमेंट का एक कंपोनेंट तो अलोंग द एक्स एक्सिस आ जाएगा, और एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा इस तरीके से। तो ये जो कंपोनेंट है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। हाँ इससे जस्ट पहले जो अपन ने ऊपर डीबी कॉस थीटा बनाया ना सर, उसका डीबी साइन थीटा किस तरफ कर रखा है अपन, ये रहा ना डीबी साइन फाई, ये रहा ना इसका, ये लिखा हुआ है ना ब्लैक वाला, ये ना डीबी साइन फाई है ना, एंगल के साथ क्या आता है जो किसका, जो अपने नया बनाया डीबी कॉस थीटा, इसका भी तो ऊपर ही डीबी साइन थीटा में ऐड हो जाना चाहिए। हाँ तो ऐड होगा ना, वही तो सिखा रहा हूँ मैं आपको, हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई जो पी पॉइंट है ना, उस पी पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सिर्फ इसके एक्स कंपोनेंट की वजह से होगी, वाई कंपोनेंट्स क्या होंगे, यानी ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स आ रहे हैं ये क्या करेंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ये बात समझ में आई, ठीक है। तो हमें जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी ना पी पॉइंट पे, वो किसकी वजह से मिलेगी, ओनली ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहे हैं ना उसकी वजह से मिलेगी, ठीक है, आया समझ में, ठीक है, हटा दूं इसको यहाँ से, हाँ सर, है ना, ये हटा देते हैं अपन, देखना आप, ठीक है। तो ये हमारा पी पॉइंट हो गया, तो अब डायग्राम आपको समझ में आ गया, स्टार्टिंग की लाइन तो मैंने नोट्स आपको दे ही दिए है ना, उससे आप देख लेना कि भाई लेट अस कंसीडर अस सर्कुलर कॉइल, ठीक है, ऑफ रेडियस आर इन द वाई जेड प्लेन, ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज आई, ठीक है। नाउ देयर इज अ पॉइंट पी ऑन द एक्स एक्सिस एट विच वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कॉइल। पी पॉइंट पे अपन को क्या करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से, जो कि पी पॉइंट कहाँ है, इसके कॉइल के क्या है, एक्सिस पर है, एक्सियल पॉइंट है इसका, ठीक है। तो सारा डायग्राम में अभी तक जो जो वर्ड यूज हो रहे हैं सब समझ में आ रहे हैं ना आपको, हर एक जो भी क्वांटिटी मैंने यूज करी है, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पर
तो हम क्या कर सकते हैं, यहां देखो द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट क्या है, एक्सियल पोजीशन पर है, ठीक है, एक्सियल एक्सिस पे कोई पॉइंट है उसके कॉइल के एक्सिस पे, ठीक है. सो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी हैज टू कंपोनेंट्स, हैज टू कंपोनेंट्स, ठीक है. तो टू कंपोनेंट्स में जो पहला कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट क्या होगा, डीवी. ये हमने परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, परपेंडिकुलर का साइन, यानी जो ये एक्सिस है, ठीक है, कॉइल की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है डीबी, ठीक है. तो ये आपके पास आ जाएगा डीबी कॉस फाइ, ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दिस कंपोनेंट इज, दिस कंपोनेंट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट इन डायरेक्शन व्हेन व्हेन वी कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट कॉइल, ठीक है, पूरी कॉइल की वजह से जब आप मैग्नेटिक फील्ड लोगे, सो व्हेन वी कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट कॉइल, ठीक है. तो ये क्या, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है ना, अपोजिट डायरेक्शन है. सो व्हेन वी कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, कोई से भी तो अपोजिट पॉइंट पूरे कॉइल में लेंगे तो, हाँ, डायमेट्रिकली अपोजिट कोई भी पॉइंट लोगे तो वो कैंसिल ही करेंगे एक दूसरे को, ठीक है. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा, कैंसिल कर देगा एक दूसरे, कहीं पर भी लोगे अभी ऐसे बन रहा है तो कहीं और ले लोगे पॉइंट, तो मतलब हर बार क्या करेंगे वो एक दूसरे को कैंसिल ही करते जाएंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन रहेंगे, ठीक है. सो वेन एवर यू चूज एनी टू डायमेट्रिकल पोजिशन देन दिस कंपोनेंट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट ईच अदर, वो क्या करेंगे एक दूसरे को करेंगे कैंसिल कर देंगे, ठीक है. सो वेन वी कंसिडर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट कॉइल दीज कंपोनेंट्स These components cancel out each other. Cancel out each other. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा प्रथम, ठीक है ना? हाँ सर आ रहा है. ठीक है, ये cancel out कर देंगे. अब अपन लेते हैं second जो component है. Second component हम लेंगे along the x-axis. Along the x-axis. तो along the x-axis जो component है उसको dB axis से denote करेंगे अपन. और ये आ जाएगा आपके पास dB sin phi. ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट आ रहा है आपका डीबी एक्स इज इक्वल टू डीबी साइन फाई, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज ऑनली ड्यू टू दिस कंपोनेंट, ठीक है. दिस कंपोनेंट मतलब कौन सा कंपोनेंट है, ये डीबी एक्स है. तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी पी पॉइंट पर वो ओनली इस कंपोनेंट की वजह से होगी, डीबी एक्स की वजह से, ठीक है. तो अगर अब हम यहाँ पर निकालते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड आउट करते, अगर इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, ठीक है, तो करते हैं देखो आप, टोटल मैग्नेटिक फील्ड due to current carrying coil at axial position अपनी क्या, P point है, तो total magnetic field क्या जाएगा, dB is equal to integration of dBx, ठीक है, db is equal to क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dbx हो जाएगा, और dbx yes, क्या है आपका, db sin phi है, तो db sin phi आ जाएगा. अब यहाँ पर आप देखें जो db है अपना,
हाँ बोलो। सर अपन इसको 2b sin थीटा 2b sin φ लिख रहे हैं। 2b? नहीं, वो तो आप इंटीग्रेशन लगा दिया ना आपने, वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, हम तो पूरे यस सर। कॉइल का ले रहे हैं ना, अब इंटीग्रेशन में आ जाएगा वो सारा का सारा, वो तो एक एग्जांपल अच्छा देके हाँ मैंने सर। बताया था कि कैसे वो कैंसिल कर रहे हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट कोई भी लोगे दो वो कैंसिल कर जाएंगे, वो तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको करके बताया था। अभी तो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो सारे कंपोनेंट इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है? अब अच्छा जीरो से देखो, 2π r तक हाँ करेंगे। वो 2πr तक कर देंगे, वो सारे आ जाएंगे उसके अंदर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अपन कैसे निकालेंगे, बायो सावर्ट लॉ से। अब बायो सावर्ट लॉ आप लगाओगे इसमें तो म्यू जीरो डिवाइड बाय 4π, ये आ जाएगा आईडीएल। अब साइन थीटा, थीटा कितना है इसमें 90 डिग्री, आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय पोजीशन वेक्टर क्या है इसमें, एस वेक्टर है, तो एस वेक्टर है तो यहाँ एस का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना स्टेप। अब यहाँ पर क्या है कि जो डीएल वेक्टर है आपका, डीएल वेक्टर एंड एस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है इसलिए इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एक तो ये बात समझ लेना, ठीक है, पहली बात। और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसके अंदर, सेकंड पॉइंट इज साइन फाई, अगर आप निकालोगे डेट साइन फाई विल बी इक्वल टू, ये ट्राइंगल देख रहे हो आप, एक ट्राइंगल बन रहा है, साइन फाई इसमें आएगा आर डिवाइड बाय एस, सही है? साइन फाई कितना हो जाएगा, आर डिवाइड बाय एस हो जाएगा। आ रही है भाई एक समझ बार में सर बात? वापस दिखा दे वाला। हाँ ये देखो, साइन फाई निकालोगे इस ट्राइंगल में, ठीक है, तो साइन फाई कितना होगा, ये आर डिवाइड बाय एस, ठीक है, लगा लोगे ना रूल साइन का। और अभी इसी ट्राइंगल में मैं ये कर सकता हूँ कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कर सकता हूँ, हाँ सर। एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और आई कैन राइट डेट एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1/2 हो जाएगा। यहां तक सारी बात समझ में आ गई, हाँ सर। ठीक है, क्लियर है? देखते आना स्टेप बाय स्टेप। अब ये जो इक्वेशन आई अपनी वन, इस फर्स्ट इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर दो, सारी वैल्यूज पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन के अंदर, इक्वेशन वन में आप वैल्यूज पुट करोगे, नाउ लेट सी डी बी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, डी बी इज इक्वल टू, ठीक है, अच्छा डी बी, डी बी एक्स करा अपने डी बी साइन फाइव, इसको अपन को बी करना है ना, अब तो इंटीग्रेशन कर दिया आपके, डी बी लिखेंगे इसको, बी लिखेंगे अब तो, ठीक है, तो ये बी आएगा यहाँ पर भी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ना अपने पास, तो बी इज इक्वल टू, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी बी की वैल्यू रख दो पहले, तो म्यू जीरो डिवाइड बाय 4π, ठीक है, देन आई डी एल, आइडियल साइन हाँ साइन 90 तो 1 हो आइडियल। गया, तो आई डी एल डिवाइड बाय एस स्क्वायर आ रहा है नीचे है ना, तो और साइन फाई, साइन फाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, आर डिवाइड बाय एस, ठीक है, नाउ लेट्स राइट दिस म्यू जीरो डिवाइड बाय 4π, इसको कर देते हैं अपन आई आर, ये डिवाइड बाय हो जाएगा एस क्यूब, ठीक है, और डी एल यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, तो म्यू जीरो डिवाइड बाय 4π तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से आई आर डिवाइड बाय एस क्यूब बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना होगा, 2πr, है क्या, नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हाँ कितना सर। जाएगा, 2πr हो जाएगा, तो म्यू जीरो डिवाइड बाय 4π या आई आर आ जाएगा, इधर ये एस क्यूब हो जाएगा और डीएल की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2πr, तो पाई से तो पाई कैंसिल करना, 2 से ये कैंसिल कर देना, 2 2 4, ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा म्यू जीरो आई आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एस क्यूब। अब एस की वैल्यू ये रख दो आप, है ना, एस की वैल्यू ये रख दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पावर कितनी आ जाएगी, 3/2, ठीक है, ये बी की वैल्यू आ जाएगी, समझ में आ रहा है, ठीक है यहाँ तक? हाँ नाउ सर। इफ इफ एन ले लेते हैं अपन, इफ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स वुंड ओवर ईच अदर, ठीक है, वुंड ओवर ईच एनआई आ अदर, जाएगा। हाँ बस है ना, जाएगा वुंड ओवर ईच अदर, तो हमारे पास फाइनल एक फॉर्मूला आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो कैपिटल एन आई
आर स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देन रेज टू पावर 3/2. सो दिस इज अ फाइनल फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पोजिशन. एक्सियल पोजिशन जो है एक्सियल कॉइल के एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा. डेट फॉर्मूला इज बी इज इक्वल टू मी जीरो एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 3/2. आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, आराम से देख लो. मेन है, मतलब ये मेन डेरिवेशन है आपकी, इसमें से बनता है क्वेश्चन. ठीक है, तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना वो ध्यान रखना, नहीं तो इसमें आप उलझ जाओगे और जो यहाँ उलझ गया फिर उससे डिराइव नहीं हो रहा है. समझ रहे हो बात को? तो जो मैंने मेथड बताया है, ट्रिक बताई है, उसको पकड़ के चलना, आराम से डिराइव हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है ना? सो नाउ वी हैव अ फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पोजिशन ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल. ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल है, उसकी एक्सियल पोजिशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हमारे पास फॉर्मूला है. सो फॉर्मूला एक बार और हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं. बी इज इक्वल टू म्यू जीरो, ठीक है, म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर, म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर, ठीक है, देन डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया. ठीक है, आया यहां तक? ये सेकंड इक्वेशन थी, तो यहां पर भी अपन सेकंड इक्वेशन कर देते हैं. ये 3 है, अभी दिख रहा होगा आपको. ठीक है, अगर देखो इसी इक्वेशन में एक चेंज में कर सकता हूँ. क्या करते हैं इसमें कि b इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ कि म्यू जीरो एन आई, मैं पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, और पाई से ही डिवाइड कर देता हूँ, 2π ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 3/2. अब पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, तो एरिया हो गया. ठीक है, एरिया कह सकता हूँ ना, एरिया ऑफ कॉइल हो गया, तो एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल मतलब अपनी जो करंट कैरिंग कॉइल है उसका एरिया हो गया ये. ठीक है, तो इस यानी इस ये फॉर्मूले में एक और एडिशन ही हो जाएगा कि म्यू जीरो एन आई ए, ए इसका एरिया हो गया, कॉइल का एरिया, डिवाइड बाय टू पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 3/2. तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाए, वो तो आप जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो. तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, म्यू जीरो एन आई ए डिवाइड बाय 2π आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 3/2. सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पोजिशन ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल. ठीक है, अब इसके कुछ केसेस भी हैं, वो केसेस भी हम देख लेते हैं जो कि इसके स्पेशल केसेस हैं. स्पेशल केसेस, ठीक है, स्पेशल केसेस में स्पेशल केसेस बता देते हैं अपन. जैसे एक आप केसेस तो बड़ी इजीली आप सॉल्व कर सकते हो. जैसे हम आपको दे दें कि भाई एट द सेंटर ऑफ कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, कितनी आएगी बेटा बता दो तो फॉर्मूला फटाफट. इस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? म्यू नॉट एन आई ए, हाँ ये तो करा हुआ है ना अपन ने, अरे ये तो अपन ने करा ही हुआ है ना, अपन ने एक्स जीरो कर देते हैं. वैसे भी हमने कराया, देखो क्या आना चाहिए, ये रही ना बी जीरो एन आई डिवाइड बाई 2r आना चाहिए, है कि नहीं? हाँ सर, यही तो बना रखा है सेंटर पे, तो हमने निकाली थी ना. हाँ वो इसलिए तो मैंने डायरेक्ट पूछा, ऐसे तो आप कर ही दोगे, ऐसे तो आ ही जाएगा. देखो तो म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स को जीरो कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस. ठीक है, तो आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, आर क्यूब बन जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो देखो वही फॉर्मूला आ गया आपके पास जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, म्यू जीरो एन आई डिवाइड बाय, ऐसे निकालने लग गया था सर, इसलिए टाइम लग गया. नहीं तो मैं वही तो चेक कर रहा था आपको, तो मैंने कहा ये तो अपन ने करा हुआ है ना डिराइव पहले ही, तो ये आ जाएगा म्यू जीरो एन आई बाय 2r. चलो एरिया पे निकाल लेते हैं, तो
एरिया पे निकालना चाहो तो देख लो एरिया के हिसाब से भी, इसमें अगर x इज इक्वल टू जीरो कर दें अपन तो यहाँ x जीरो करेंगे तो म्यू जीरो एन आई ए ये तो आएगा ही ऊपर, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, ये x जीरो जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा तो टू पाई आर क्यूब आ जाएगा, तो ये एरिया की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो एक स्पेशल केस तो आपका सॉल्व हो गया कि सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे हो गया आपका म्यू जीरो एन आई डिवाइड बाय या म्यू जीरो एन आई डिवाइड बाय टू आर हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर केस, एक सेकंड केस ले लेते हैं इसका। सेकंड केस ये कह रहे हैं कि एट द एक्चुअल पॉइंट फार अवे फ्रॉम द लूप, लूप या कॉइल। ठीक है, तो आपको ये केस है कि एक्चुअल पॉइंट फार अवे far away from the coil, ठीक है, far away from the coil, इसका मतलब ये है कि रेडियस जो है वो छोटी हो जाएगी, x बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो, ये लेस देन के साइन बनाए मैंने, एक्चुअल पोजीशन बहुत दूर है तो रेडियस जो है नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो रेडियस को आप नेग्लिजिबल कर दो इसमें, तो इस इक्वेशन फॉर्मूला आना चाहिए, रेडियस नेग्लिजिबल कर दो ना, x वाला आ जाएगा तो रेडियस को हटा दो इसमें, हाँ उल्टा हो जाएगा, हाँ तो ये म्यू जीरो एन, हाँ म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय, इस आर को मैं हटा दूं तो एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, तो ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगा, तो एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। और क्या बन सकता है यहाँ पर देख लो आप, म्यू जीरो एन आई ए, ठीक है, डिवाइड बाय टू पाई, देन यहाँ पर भी आर को हटा दें अपन तो एक्स क्यूब टू पाई एक्स क्यूब, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हुआ yes, और sir. एक और केस वो भी मैं यही सॉल्व कर देता हूँ ताकि एक ही पेज पे सब कुछ आ जाए। ठीक है, इसी पेज पे सब मिल जाएगा आपको। थर्ड पॉइंट है कि भाई एटा एक्सियल पॉइंट आपने अभी अपनी कॉपी में पूरे लिख लिए क्या नोट्स? पूरे नहीं लिखे, इतना कहाँ टाइम है, कर रहा हूँ बहुत सारे काम है, हाँ जितना हो रहा है उतना करते जा रहा हूँ। At axial point, नहीं वो क्या है, मैं कह रहा था सर कि आप उसको PDF format में भेज दोगे ना, क्योंकि WhatsApp हाँ करूँगा, नहीं नहीं वो actually बात क्या है कि मैं बहुत थोड़ा सा busy, मैंने तीन चार काम हाथ में ले रखे हैं, हाँ सर है ना, इस वजह से वो बहुत rapidly, कल एक तो वो sound का issue हुआ तो मैं नहीं ले पाया, हाँ नहीं मैं पूरा बढ़िया ही बनाएंगे और वो सब अपने उस पे डालूंगा ना मैं, तो वो सब प्रॉपर ही होगा काम, अच्छा ही होगा उसके, वो तो आप निश्चिंत रहो। सो एट एक्चुअल पॉइंट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, ठीक है, इक्वल टू रेडियस ऑफ अ कॉइल, ठीक है, अभी मैं यहाँ इक्वल टू रेडियस लिख देता हूँ, यानी एक्स की वैल्यू आर हो जाए, तो एक्स की वैल्यू अगर आर कर देना, थोड़ा देखो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ फॉर्मूला इसका, एक्स की वैल्यू आर कर दें अपन यहाँ पर, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा तो टू आर स्क्वायर हो जाएगा, टू आर स्क्वायर हो जाएगा तो टू की पावर थ्री बाई टू आ जाएगा, और टू की पावर थ्री बाई टू वन है, वन प्लस थ्री बाई टू कितना जाएगा फाइव बाई टू, तो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर तो आपका मी जीरो एन आई आर स्क्वायर ही होगा, नीचे इधर आ जाएगा टू रेस टू पावर फाइव बाई टू, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, और देखो एक्स की वैल्यू आर स्क्वायर तो आर क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, ये आर क्यूब आ जाएगा, है कि नहीं, एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा, और इधर देखें आप तो म्यू जीरो एन आई ए ये बन रहा है डिवाइड बाय, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर भी टू आर स्क्वायर आ जाएगा तो टू की पावर ही हो जाएगा आपका फाइव बाय टू, ठीक है, पाई तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, और आर स्क्वायर, हाँ ये आर क्यूब आ जाएगा आपके पास, ये आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी एक स्पेशल केस। अब स्पेशल केस तो क्या है कि आप ये कह सकते हो कि फॉर्म, हाँ ये 5 by 2 वाला वापस, मतलब ये 2 की पावर 5 by 2 कैसा है, यहाँ देखो ना ये r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा तो 2r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक, है ना, और 2 की पावर 3 by 2 रहेगा, तो देखो यहाँ कर देता हूँ म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर तो ये हो गया, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 बाहर है, ये आपका आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, ये इसकी पावर थ्री बाय टू, अब मैं सिर्फ नीचे वाला सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये टू आ गया, ये टू आर स्क्वायर आ गया, टू आर स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू है, तो टू तो बाहर था, ये टू की पावर थ्री बाय टू यहाँ से बाहर आ जाएगा, और आर स्क्वायर से कट के ये आर क्यूब हो जाएगा,
और ये 2 की पावर 1 प्लस 3/2 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर कितना आएगा, 5/2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। चलो तो ये इसके स्पेशल केसेस सॉल्व हो गए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और वैसे दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्शन के काफी सारे न्यूमेरिकल इस पे आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, तो फॉर्मूला बड़ा रट लेना आप, तो μ0NI/2R होता है, ठीक है। ये एक्चुअल पोजिशन वाली डेरिवेशन आती है जनरली पेपर में, है ना। तो मैंने आपको मेन जो पार्ट है वो एक्सप्लेन कर दिया है। आया समझ में, क्लियर है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, अब इसके अंदर और जो कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ मैं। मेन काम तो हमारा हो गया, मेन जो पार्ट मुझे डिस्कस करना था वो कर लिया है मैंने, ठीक है। अब मैं आपको कुछ डायरेक्शन रूल्स सिखा रहा हूँ। ये डायरेक्शन रूल्स जो है नोट्स के अंदर है, स्टेटमेंट्स लिखे हुए, ओनली मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। रूल्स जो है पूरा थ्योरी आप नोट्स में पढ़ लेना, है ना। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, ठीक है। करंट कैरिंग लूप या कॉइल एक ही बात है, ठीक है। लूप या कॉइल लिखा हुआ आता है, तो ज्यादा उसमें कंफ्यूज नहीं होना। करंट कैरिंग लूप या कॉइल, ठीक है। ध्यान से देखना, बड़ा इजी सा मेथड एक बता रहा हूं मैं आपको। जैसे एक सबसे पहले तो वही है भाई, लूप ही बनाओ इसका। ये बना लिया अपन ने, अब ये जैसे आपको स्क्रीन दिख रही है ना अपने लैपटॉप पे या जिसपे भी, इस तरीके का लूप है, ठीक है। आई करंट हम फ्लो कर रहे हैं, या आई करंट यहाँ से बाहर आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो कैसी बनेगी। तो मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बता रखी है, वापस बता रहा हूँ। इसमें क्या करो, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो। जैसे आपने ये छोटा सा एलिमेंट लिया, तो इस एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन कर लो, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अब ये करंट की डायरेक्शन है, तो आप राइट हैंड लो अपना, ठीक है। राइट हैंड में जो इसको एक स्ट्रेट वायर समझ लो आप, तो और राइट हैंड थंब रूल लगाओ। राइट हैंड थंब रूल से इसको होल्ड करो, जो आपके फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। जो आपके फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो बनेगी, देखो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, ठीक है। ये इस तरह से रखी हुई है, देखना आप। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो आप जैसे होल्ड करोगे तो देखो, इस साइड तो ये क्या होगी, इस साइड तो जाएगी अंदर की तरफ। जा रही है नहीं जा रही, कर पा रहे हो, परफॉर्म करके देख लेना खुद भी एक बार, ठीक है, है ना। ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन करा था। तो इस तरह से आपका, तो इधर कॉइल के अंदर तो ये पेपर के ऊपर बनी हुई है ऐसे, तो पेपर के अंदर की तरफ जाएगी, तो कॉइल के जो अंदर, कॉइल के अंदर वाला जो हिस्सा है उसमें तो इन्वर्ट जाएगी। कॉइल के अंदर वाला जो हिस्सा है उसमें तो क्रॉस होगा, और कॉइल के बाहर वाला हिस्सा है वहां पर क्या होगा, डॉट होगा। समझ में आ रहा है। और जैसे जैसे अपन इससे दूर जाते जाएंगे, एक और पॉइंट है यहाँ पर कि देखो, मैग्नेट बायो सावर्ट लॉ जो हमें बोलता है, बायो सावर्ट लॉ में डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। मतलब जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ये तो। या फिर आप देखो, आपने एट द सेंटर निकाला हुआ, ये रहा एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, तो वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब ये है कि रेडियस अगर बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। और यही कारण है कि यहाँ पर हमने जो एन लिखा है, वो एन ऐसे लिखा है कि एक के ऊपर एक बंधी हुई है, यानी सारे की सारे जो कॉइल आप बांध रहे हो वो सबकी डिस्टेंस आ रही है सेंटर से, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ कि वुंड ओवर ईच अदर, समझ रहे हो बात को, है ना। तो यानी डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो आप अगर इसमें मैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर ड्रॉ करूं, तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमें, मैं कोशिश करता हूं कि डायग्राम अच्छा सा मिल जाए आपको। तो ये कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती जाएंगी, ठीक है।
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती आएगी और ये डायरेक्ट। आपने कहा था ना कि कॉइल के अंदर जा रही तो क्रॉस है, वो तो समझ में आ गया सर, वो डॉट किसके कहा था? डॉट बाहर, ये बाहर की तरफ तो डॉट ही हुई ना, अगर इधर से आपकी फिंगर अंदर जा रही है तो इधर से तो बाहर ही आएगी ना, यो मुट्ठी बना के देखो ना अच्छा अपनी, हाँ, यस मुट्ठी सर बना यस के सर, देखो। आउटसाइड। हाँ आया समझ में, ये है और ये सबसे इजी तरीका है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये तो इस साइड की बात हो गई, ऐसे ही एक एलिमेंट अपन दूसरी साइड भी ले लेते हैं, इस साइड ले लेते हैं एक एलिमेंट। ये लिया आपने एक एलिमेंट, ठीक है, स्ट्रेट एलिमेंट, ये भी इतना छोटा है कि अपन इसको स्ट्रेट मान सकते। तो इसमें करंट जो जाएगा कैसे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। अब करंट इसमें अगर डाउनवर्ड जाएगा तो डाउनवर्ड करके देखो, तो डाउनवर्ड में क्या होगा, इसमें वापस से इधर तो डॉट आएगा और अंदर क्रॉस आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ इस साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं अपन, ठीक है। तो इसको आप होल्ड करो, तो इस साइड से तो आपके, यानी आप इसको नीचे की तरफ है, ये डाउनवर्ड है, ठीक है, तो डाउनवर्ड है, तो आप देखना है इसके अंदर, ये डाउनवर्ड है इस तरह से, तो ये इधर से तो बाहर आएगी, यो अंदर जाएगी, ठीक है। यानी कि ये एरो कुछ इस तरीके से आएंगे आपके, ये एरो आएंगे इस तरह से, ये बनेंगे एरो, हाँ सर ऐसे ही आ रहे ठीक हैं। है, बिल्कुल इस तरीके से। आप थोड़े से आप खुद भी करके देखना ट्राई, है ना। तो यानी और फर्दर अगर हम बनाना चाहें इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी। इंक्रीज होती जा रही है, इसमें सर दूर दूर जाती जा रही है। हाँ, बस मैं पूरा आपको बना के बता दूं एक बार, ये ठीक है। तो ये कॉइल्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो सेंटर पे हम बात करें, ये देखना सेंटर पे हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी, ठीक है। और ये जाएंगी कैसे, देखो आप ऊपर जा रही है सारी, तो ये इस तरह से जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूं कि भाई इसमें नॉर्थ पोल कहाँ होगा, साउथ पोल कहाँ होगा, तो ये वही केस हो जाएगा जैसे बाहर मैग्नेट के अंदर की तरफ, ये कॉइल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, तो बाहर मैग्नेट के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस पोल से किस पोल की तरफ जाती हैं, बाहर मैग्नेट के अंदर, नॉर्थ, अंदर साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये तो हमारा साउथ पोल बन जाएगा और ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये जो पूरा आपको एक्सप्लेन करा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है, ये बहुत सिंपल सा मैंने एक रूल लगाया है जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है भाई, सिंपल सा रूल है जिसको बोलते हैं राइट हैंड यस थंब सर, रूल, वो लगाया है। आया समझ में, हाँ ठीक सर। है। अब एक रूल और सिखाते हैं आपको, ठीक है। ये रूल है रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये देखो रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप और कॉइल, लूप बोल लो या कॉइल बोल लो, ठीक है। तो एक तो हमने आपको बता दिया राइट हैंड थंब रूल है, एक तो ये है ही सही स्टेटमेंट आपको मिल ही जाएगा इसका, और एक रूल और है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, और उस रूल को बोलते हैं क्लॉक रूल। ये मैंने जब आपको एक क्लास ली थी, आपके ऐसे इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी जो इसकी, उसमें मैंने आपको बताया भी था क्लॉक रूल होता क्या है ना। तो यहाँ जिस रूल की हम बात कर रहे हैं, रूल जो है उसको बोलते हैं क्लॉक रूल, ठीक है। तो क्लॉक रूल क्या कहता है कि मान लो आपको कोई कॉइल दी है, ये कॉइल है, ठीक है, इस तरह से करंट कैरिंग कॉइल है, और इस कॉइल में ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो
डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पर है, क्या है भाई, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ना, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है आपकी, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज अगर इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट है इस कॉइल के अंदर, तो कौन सा पोल बनेगा ये अपन पता कर सकते हैं। एक साइड का पोल मिल जाएगा, दूसरी साइड का ही पोल मिल जाएगा, फिर हमें मालूम ही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमें पोल डिफाइन करना है, क्लॉक रूल से अपन क्या करते हैं, पोल डिफाइन कर सकते हो। तो इस कॉइल में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है, क्लॉक वाइज है। तो क्लॉक वाइज है तो इस तरह से आपको करना है, इस तरह से एस बनाओगे, ठीक है। तो अगर कोई कॉइल है, उस कॉइल में जो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर क्लॉक वाइज है, तो वो जो फेस होगा, इसको क्लॉक रूल या फेस रूल भी बोलते हैं। तो ये जो फेस होगा, ये फेस पे जो पोल बनेगा कौन सा पोल बनेगा आपके, साउथ पोल, ठीक है। ये जो फेस है इस पे जो पोल बनेगा ये बनेगा साउथ पोल, ठीक है। इसी तरह से एक और देख लेते हैं अपन। अगेन आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल है, और इस सर्कुलर कॉइल में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर रहे हैं अपन, डायरेक्शन ऑफ करंट है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो जो पोल बनने वाला है यहाँ पर, वो पोल कौन सा बनेगा, ये जो कॉइल का ये वाला फेस है, इस फेस पे जो पोल पोल बनेगा कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इसे फेस रूल भी बोलते हैं, क्लॉक रूल भी बोलते हैं, इस तरह से है, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है ना, इस तरह से क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो वो जो फेस होगा कॉइल का, वहां पर क्या बनेगा आपके, साउथ पोल बनेगा। और जो दूसरा अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है करंट, तो जो फेस है उस पर जो पोल बनेगा कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा, ठीक है।